लो जी गड्डी ले आउन साल ही पहला बंदा जेड़ा ना मेरे लगा सजाद जट जट साहब की हाल ने ठीक हो ठीक है जट साहब गड्डी में लेके आया हुण ही हले बिल्कुल हुण अब बड़िया पिंड दे विच पहला सजादा सज्जन मेनू मिल गया पहला बंदा जेड़ा मेरे नाल गड्डी दे विच बह गया ते गड्डी हुण अपनी ले ली है तेरे वीर ने जिथे जाना होया तेरा कम मैं फोन मार देना हफज गड्डी लेके आ जाओ सरकार दे भीड़ा बन गई ने जाना है तो मेरा कम आ जाना सही हो गया अपनी गड्डी हो जट साहब किन्ने को खुशी होंगी है बंदे नू परदेस दे विच ते मतलब की फीलिंग्स होंदियां ने आ बड़ी गल है यार मैं गड्डी ले दो हला आ क्योंकि इत्थे ले मैं सेंस करना पेंदा पहला खेचल करनी पेंदी है फिर भैन ही वा फिर जाके किते पैसे जोड़ के फिर किते मैं गड्डी लेनी पेंदी ते गड्डी वास्ते पैसे भी ढेर चाहिदे होंदे ढेर भी चाहिदे होंदे फिर गड्डी चलाउण वास्ते जिगरा भी चाहिदा जिगरा भी चाहिदा ओ भी यूरोप च रह के गड्डी लेनी चलान दी इजाजत नहीं छोटी गड्डी जिड्डी को हैरान नहीं होंदी इहदे जिड्डी मैं हुण ले जाना कार हुण ही खरीदी है हले शर्क ते ही आ मैं आख्या जिहड़ा ना मैं कना तला दिया के सूरत हाल सिस्टम निजाम ठीक हो गया हूँ गड्डी हो गई अल्लाह की अपनी तो उन्होंने रेक वेले जो ना अगर बसा तो जलील हो गए ना पैंच उल्टियाँ कर करके दिमाग खराब हो गया सी हूँ वो जान छुट गई है तो हेलो ए गड्डी जे ऐसी जे क्या साढ़े पीछे एक और गड्डी जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन उम्मीद कर दो खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्लाह ताला को बड़े शुक्र है तो आप सोच रहे होंगे कि यार हाफिज़ भाई आप इतनी लेट व्लॉग डालते हैं तो कसम अल्लाह दी काम इन्ना होंदा जना तो उत्थे काम दे उत्ते वीडियोज़ भी जिहड़ा ना फिर एक काम दियां बार बार तो बनाईयां नहीं जा सकदियां तो बिजी इसलिए थोड़ा सा हो गया हूँ यार काम में तो इंशाल्लाह कोशिश किया करूँगा कि मैं ना वीडियोज़ बनाया करूँ तो आज की जो वीडियो है वो है हमारी गाड़ी के रिलेटेड तो काफ़ी दिनों से मैं आपको कह रहा था गाड़ी लेनी है तो मैंने दो गाड़ियाँ ली हैं एक जो पहले वाली थी वो तो मैं चला नहीं सकता क्योंकि वो जो है ना इटालियन रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो है वो मैं सिर्फ 70 किलो वाट जो है ना वो वाली गाड़ी चला सकता हूँ जिसका इंजन इतनी पावर का हो और तकरीबन 80 से 85 जो है ना वो किलो वाट का उसका वो नहीं वो उसकी कैपेसिटी मतलब इतनी होती है इंजन की वो बड़ी गाड़ी थी वो थी 2 1800 cc गाड़ी थी जो मैंने पहले ख़रीदी थी तो जब मैं इंश्योरेंस के लिए गया ना तो उन्होंने कहा कि यार आप तो ये गाड़ी चला नहीं सकते अभी आप क्योंकि आपका जो लाइसेंस है उसकी मियाद 1 साल से कम है और 1 साल तक जो है वो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और छोटी सी गाड़ी आपको लेनी पड़ेगी जिस तरह महरान है या कल्टस है इटली के अंदर ऐसा ही है कि जब कोई बंदा नया लाइसेंस करता है तो उसके लिए उसको 1 साल छोटी गाड़ी चलानी पड़ती है तो ताकि वो ज़रा सीखे और रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे तो इसलिए मुझे एक छोटी गाड़ी की तलाश थी और वो मैंने फेसबुक पे ढूंढी है सांस चढ़ गई है चढ़ाई से ऊपर चढ़ रहा हूँ तो अभी वो गाड़ी लेने के लिए जा रहा हूँ आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं तो साथ साथ वीडियो बनाता हूँ तो मिलते हैं चल के गाड़ी के पास अल्लाह हाफिज़ जी नाज़रीन तो अभी मैं यहाँ पे जो है ना वो गाड़ियों की दुकान पे आ गया हूँ बंदे के साथ गाड़ी पे आया हूँ और वो मुझे अपनी शॉप पे लेके आए ये उनकी दुकान है और यहाँ पे वो गाड़ियाँ बेचते हैं और ये सारी गाड़ियाँ इधर जो है ना वो खड़ी हुई हैं और मैं उसके साथ आया था मैंने कहा कि यार जो है ना वो मुझे गाड़ी एक दफ़ा ज़रा चेक तो कराएं तो गाड़ी जो है वो देखने में भी ठीक है और तकरीबन उसके हिसाब से जो है ना वो शानदार भी है तो अभी इससे रेट फाइनल करते हैं कि ये कितने की हमें देता है तो मैं यहाँ पे तकरीबन पहले जो एक गाड़ी ली थी ना तो उसके वो उसकी ताकत पावर इंजन में ज़्यादा थी तो वो मैं चला नहीं सकता था तो फिर उन्होंने कहा जी एक आप छोटी गाड़ी ले लें तो मैं फिर यहाँ पे आया हूँ और अभी गाड़ी जो है वो लेने लगा हूँ अभी इसका रेट करते हैं फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि ये गाड़ी हमें कितने की मिली है तो चलें अभी बस से उतर गए हैं और अभी स्टॉप पे जहाँ पे वो बंदे ने टाइम दिया था वहाँ पे आ गए अभी उसको कॉल करने लगा हूँ और वो कहता था कि जब आप आएंगे तो मुझे कॉल कर दीजिएगा ये देखें ये सिटी तो हमसे वैसे थोड़ी सी दूर है लेकिन अभी चलें कॉल करते हैं देखते हैं कि वो बंदा जो है वो कहाँ पे मिलता है तो अभी जनाब उसको करते हैं फ़ोन वो कहता था जब आप आ जाएं मुझे फ़ोन करना है तो अभी उसको कॉल करके पूछ लेते हैं कि वो बंदा कहाँ पे है क्योंकि मैं तो यहाँ पे जो मोटरवे का वो टूल प्लाजा है का टूल बॉक्स होता है उसके पास पहुँच गया हूँ कहता था जब टूल बॉक्स के पास आ जाओ तो मुझे कॉल कर लेना अभी जनाब मैं पहुँच गया हूँ तो चलें जी उसको कॉल करते हैं और आने का इंतज़ार करते हैं
ये अभी जो है ना, ये चौगा है गोल और ये मोटरवे के लिए तीर लगे हुए हैं। ये मोटरवे की एंट्रेंस है और वो एग्जिट है मोटरवे से, गाड़ी वो आ रही है। अभी मैं इस चौक में खड़ा हूँ, उस बंदे ने इधर से आना है, तो देखते हैं अभी। हाँ जी, फाइनली जो है ना, वो दोस्त आ गए मुझे लेने के लिए। मैं उनके साथ गाड़ी में बैठा हूँ और उनके घर में जा रहे हैं। ये देखे सामने पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े, तो जो है वो अभी गाड़ी देखते हैं जाके, तो आपको इंशाल्लाह मैं दिखाता हूँ। नहीं जी, अभी गाड़ी जो है ना वो मैंने चेक कर ली है और इसके अंदर जो है ना वो तकरीबन छोटी गाड़ी थी, क्योंकि इसकी जो ताकत थी वो भी कम थी। और यहाँ पे जो है ना वो मेरा गाड़ियों की वर्कशॉप है, तो यहाँ से मैंने ली है। वो बंदा आ रहा है जिससे मैंने गाड़ी ली है और अभी इसको चेक करने के लिए जा रहे हैं। ये मैं आपको चारों तरफ से बाद में दिखाऊँगा, अभी ये सारा सिस्टम निज़ाम है इसका। तो अभी बाकी सारा सिस्टम निज़ाम देखते हैं। तो अभी इसका प्रोवा लेने के लिए जा रहे हैं जी, कि ये कैसी चलती है। नई गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं जी, और ये जो है ना ये आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ अंदर से। अभी इसका रेट हो रहा है, और ये मेरे दोस्त हैं, इनका नाम उसको मैंने पूछा जी, मैं यूट्यूबर हूँ और वीडियोस बना के जो है ना वो मैं नेट पे डालता हूँ, तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये गाड़ी मैं इनसे खरीद रहा हूँ और अभी हम इसकी ड्राइव वगैरह ले रहे हैं, तो यहाँ पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए। और जो पेट्रोल की कीमत है यहाँ पे वो भी तकरीबन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, और 2 यूरो से भी ऊपर हो गई है। तो देखते हैं अभी क्या निज़ाम होता है। ये इसकी तेल वाली जगह है और इस पर हमने तेल डालना है पंप पे। और तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जनाब यहाँ पे ये होती है कि आप गाड़ी तो जो है वो सस्ती ख़रीद लेते हैं, लेकिन उसको रोड के ऊपर चलाने के लिए आपको रोड टैक्स देने पड़ते हैं। सबसे पहला काम जो किया था मैंने, अपने नाम पे करवाने के लिए गया था गाड़ी, और 400 यूरो उन्होंने मुझसे ले लिया था, जो पाकिस्तानी 80,000 बन जाता है सिर्फ गाड़ी दूसरे के नाम से तुरवा के अपने नाम पर करवाने के लिए। और ये वहाँ पर ऑफिस में गया था, वहाँ पर ये मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, सजोर अपनी दी, अपना जो लाइसेंस था ड्राइविंग वो दिया, अपना ID कार्ड दिया और अपना जो डॉक्टरी कार्ड था वो दिए। उन्होंने मुझसे 400 रुपया ले लिया और गाड़ी दूसरे के नाम से उतार के मेरे नाम पे कर दी। और इसके बाद एक बड़ा ऑप्शन जो होता है कि आपने गाड़ी की इंश्योरेंस करवानी है। इटली के अंदर बगैर इंश्योरेंस के आप गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि ये कानूनन जुर्म है कि अगर आप किसी को मार देते हैं, आपकी गाड़ी ठुक जाती है या रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर वो आपको जो है ना जो इंश्योरेंस वाले हैं वो इसके ज़िम्मेदार होते हैं, और आपको एक जो है ना वो मिल जाती है, मतलब थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। तो फिर उसके बाद इंश्योरेंस करवाई, और इंश्योरेंस जो है जनाब इस गाड़ी की 500 रुपये इंश्योरेंस हो गई, और वो पाकिस्तानी तकरीबन 1 लाख से ऊपर ही बनती है। तो इसलिए इटली में गाड़ी चलाना इतनी आसान नहीं है, जितनी छोटी गाड़ी होगी उतने खर्चे भी कम होंगे। और उसके बाद जो है वो फिर अभी मैंने गाड़ी को ख़रीदा और घर ले गया, अभी इसकी इंश्योरेंस करवानी है। तो बाकी जो है तकरीबन ये मुझे गाड़ी की कीमत जो है वो 400 यूरो है, और 800 यूरो जो है वो इसके ऊपर खर्चा आ गया, कुल मिला के 1200 यूरो। अभी इसकी जो है ना वो मैंने आपको बताया था वहाँ पे ऑफिस में गए थे, वहाँ से हमने रजिस्ट्रेशन भी करवा ली है, और आपको वो बुक भी दिखाता हूँ। और अभी जो है इसका थोड़ा सा मैं चेक करवा रहा हूँ कि क्या सूरत हाल होती है, तो फिर इंशाल्लाह आपको गाड़ी में बैठ के बताता हूँ। नहीं जी, तो फाइनली जो है ना वो गाड़ी हमारी हाज़िर हो गई है, और मैंने इसको ख़रीद लिया, इसकी रजिस्ट्रेशन करवा ली है और इसके पैसे दे लिए हैं। और अभी मैं पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ, तो यहाँ पे इसके जो है ना वो फ्यूल वगैरह इसमें डलवाऊंगा। यार है तो थोड़ी सी ना इसकी हालत तो मतलब नाकस ही है, तो लेकिन ठीक है, अभी मेरे लिए काफ़ी है, अकेला बंदा हूँ आपको पता है, और काम पर आने जाने के लिए। और उसके अलावा जो है ना वो हाथ इस पर मैं सीधे विदे करूँगा और ये चलाऊँगा एक दफ़ा, ज़रा क्या कहते हैं उसको पंजाबी में, कि चाका खुल जाएगा, तो उसके लिए बेहतर है। तो मैंने ये ख़रीद ली है, और इसकी कीमत तकरीबन पाकिस्तानी जो है ना वो गाड़ी की कीमत पाकिस्तानी 1 लाख रुपए के बराबर है, और जो इसके नाम चेंज करवाने का है 1 लाख रुपया वो हो गया, मतलब ये 400 यूरो, और 400 यूरो 800 यूरो हो गए। और अभी तकरीबन जो है वो इसकी 600 यूरो जो है ना वो मुझे इंश्योरेंस करवानी होगी, तो ये सारी 8 से 6 1400, तो ये बन जाते हैं तकरीबन कोई पाकिस्तान 2 लाख और 4 लाख 5 लाख नहीं पाकिस्तानी बन जाते हैं तकरीबन 2-3 लाख के करीब।
और इसी तरह जो है ना वो हम सूरत हाल का जायजा लेते रहते हैं, तो बाकी इंशाल्लाह आपको मजीद बताएंगे। लो जी गड्डी ले आउन साल ही पहला बंदा जेड़ा ना मेरे लगा सजाद जट जट साहब की हाल ने ठीक हो ठीक है जट साहब गड्डी में ले गए हैं हुण ही ले बिल्कुल हुण अब बड़े हैं पिंड दे विच पहला सजादा सज्जन मेनू मिल गया पहला बंदा जेड़ा मेरे नाल गड्डी दे विच बह गया ते गड्डी हुण अपनी ले ली है तेरे वीर ने जिथे जाना होया तेरा कम मैं फोन मार देना हाफिज गड्डी लेके आ जाओ सरकार दे भीड़ा बन गई ने जाना है तो मेरा काम आ जाना सही हो गया ते अपनी गड्डी होवे तो जट साहब किन्ने को खुशी हुंदी है बंदे नूं परदेस दे विच ते मतलब की फीलिंग्स हुंदियां ने आ बड़ी गल है यार मैं गड्डी ले दो हला आ क्योंकि इत्थे ले भैन सेंस करना पैंदा पहला खेचल करनी पैंदी है फिर भैन ही वा फिर जाके किते पैसे जोड़ के फिर किते मैं गड्डी लेनी पैंदी ते गड्डी वास्ते पैसे भी ढेर चाहिदे हुंदे ढेर भी चाहिदे हुंदे फिर गड्डी चलाउण वास्ते जिगरा भी चाहिदा जिगरा भी चाहिदा ओ भी यूरोप च रह के गड्डी लेनी ਗੱਡੀ ਪਿਛਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਖਿਆ ਚਸ਼ਮਾ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਟੁਰਨ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਰਤ ਜਿਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੈਂਸ ਸੂੰਸ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੱਸ ਤੋਂ ਵੇਟਿੰਗ ਕੋ ਬਾਹਰ ਬੱਸ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਵੇ ਸਹੀ ਹੈ ਆਹੋ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਖੇਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਯੂ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਬਟ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂਸ ਮੂਸ ਪਿਆਈਏ ਮੈਂ ਯਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਛਾਓ ਛੱਡਿਆ ਅੱਛਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਗੱਡੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾ ਲਿਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਓਨ ਦੇ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਖਬਰ ਆਵੇਗੀ ਜੀ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਭ ਗਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਚਲੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਆ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਲਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ।